एक बकरम ले लेना है इस तरह से, और इसको फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे ये देखिए, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच पे निशान लगाया मैंने, और इसकी लंबाई जो गहराई रहेगा वो 5.5 इंची रहेगा इस तरह से। और इसमें सीधा लाइनिंग निशान देना और इसको राउंड निशान लगाना है। उसके बाद देखिए, एक यहाँ निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच के मार्जिन में निशान लगाना है। उसके बाद स्केल से लाइनिंग खींच लेना है इस तरह से। और यहाँ पे 1.5 इंच, ये देखिए ये निशान, और यहाँ से 1.5 इंच निशान, और इधर भी 1.5 इंच निशान लगाना है, और यहाँ से भी फिर तिरछा 1.5 इंच निशान लगाना है, और यहाँ भी 1.5 इंच का निशान लगेगा। इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ भी 1.5 इंच का निशान लगेगा। ये देखिए, और ये निशान लाइनिंग को मिलाना है इस तरह से। इस तरह से लाइनिंग को मिलाना है यहाँ देखिए। और यहाँ फिर इसको यहाँ पे जो गले की राउंड है उसको सेव कर लेना है, और उसको सेव करके निशान लगाना है। ये देखिए, और थोड़ा सा यहाँ भी इसका गोलाई बनेगा इस तरह से, हल्का राउंड होगा। ये देखिए, यहीं पे ये बकरम कटिंग होगा, और इस तरह से ये कटिंग होगा। ये देखिए, और यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये देखिए, बकरम कटिंग हो चुका इस तरह से। और इस तरह से कपड़ा पे आप इसको पेस्टिंग कर लीजिएगा प्रेस से। ये देखिए, प्रेस से पेस्टिंग हो चुका है। और देखिए, जिस तरह पे कोनासी रहेगा वहाँ पे उसको कट लगाना है, राउंड पे कट लगाना है, और इसको प्रेस से इसको इस तरह से फोल्ड करके मोड़ लेना है। ये देखिए, ये मुड़ चुका है इस तरह से, और इसमें बीच सेंटर पे कट लगाना है यहाँ पे। ये देखिए, ये कट लग चुका है। उसके बाद ये सूट का कपड़ा, ये देखिए, ये तिरा हो गया, और यहाँ पे तिरे के सामने सेंटर पे एक कट लगाना है, और नाखून से थोड़ा निशान लगा लेना है ताकि बीच का सेंटर का पता चले। और इसमें चोक मिट्टी का निशान लगा लेना है इस तरह से। ये इसलिए कि जब गला बैठाएंगे तो पता चलेगा सेंटर का। ये देखिए, ये निशान, ये कट और वो कट दोनों मिला के गले में सिलाई लगाना है। ये देखिए, गले में सिलाई लग चुका है। उसके बाद इसको कट करके निकाल लेना है, अंदर के कपड़ा को कटिंग करके निकाल लेना है। और इसमें हल्का हल्का कट लगाना है। ये कट इसलिए ज़रूरी है कि गला अच्छी तरीके से घूम सके। ये कट नहीं लगाओगे तो गला आपका ठीक से नहीं घूमेगा। ये देखिए, ये बाहर की तरफ फोल्ड हो चुका है, और ये जो निशान है, जो नाखून से निशान लगाए थे, उसमें चोक मिट्टी का बाहर की तरफ निशान लगा लेना है, और यहाँ से फिर सिला लगाना है। ये सिलाई गले के किनारे पे लगेगा। ये दूसरे साइड के किनारे पे ये सिलाई लगाना है।
ये प्रेस से जो इसमें जो मोड़े थे कपड़ा जो डिजाइन को, आप उसमें कच्चा सिलाई भी लगा सकते हैं। कच्चा सिलाई लगाइएगा तो वो कपड़ा जो थोड़ा हल्का बाहर निकल रहा है वो बाहर नहीं निकलेगा, और वो सिलाई आप बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कच्चा सिलाई नहीं लगाया, सिर्फ प्रेस से इसको फोल्ड कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा कपड़ा बाहर निकल जाता है। तो इसको बढ़िया से आप इसको अंदर की तरफ सेटिंग करके इसमें सिलाई लगाना है। ये देखिए ये सिलाई लग चुका है इस तरह से, और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे बटन लगेगा, ये तीन बटन लगेगा बीच में, ये देखिए इस तरह से आप बटन इसमें बीच में लगा सकते हैं।